नमस्कार साथियों, सियोर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि प्रेम कहानी और क्वेश्चन, तो प्रेम कहानी के जरिए आज अपन सीखते हैं मैथ का एक जबरदस्त कंसेप्ट। तो ये कहानी है एक लड़की की। एक लड़की है, बड़ी भोली सी है, नटखट सी है, प्यारी सी है, चंचल सी है। तो क्या कर रही है वो, उसके हर्ट है, हर्ट से इमोशंस निकलते। तो 1000 ग्राम अपने इमोशंस हैं, वैसे तो इमोशंस को मापा नहीं जा सकता, तो 1000, ये फिर भी अपन क्वेश्चन करते हैं। इसके जरिए अपन बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखते हैं कि 1000 ग्राम इमोशंस है उसके। कितने हैं 1000 ग्राम इमोशंस? 1000 ग्राम इमोशंस को अपने बॉयफ्रेंड तथा बेस्ट फ्रेंड में बांटती है। आज भारतवर्ष में लगभग हर प्रेम कहानियों के बीच में यही समस्या बनी हुई है, बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड। तो बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में बांटती है। अब वो बॉयफ्रेंड को क्या कह रही है कि बॉयफ्रेंड को 12% की दर से देती है तथा बेस्ट फ्रेंड को कितने परसेंट की दर से देती है, 8% की दर से इमोशंस देती है। और एक वर्ष के बाद लड़की को कुल 900 ग्राम इमोशंस मिलते हैं। 900 ग्राम बदले के तौर पर मिलते हैं। तो बताओ बॉयफ्रेंड के हिस्से में शुरुआत में कितने इमोशंस आए? साथी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का नाम है मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी बराबर एक मिनिमम बांट के अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं कि लड़की है भोली सी लड़की, ये है कोई भोली सी लड़की, ठीक है, ये है भोली सी लड़की। अब ये इसके दिल के जो इमोशंस हैं वो टोटल कितने हैं, 10000 ग्राम। 10000 ग्राम इमोशंस है साथियों। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहा है, 10000 ग्राम इमोशंस हैं इसके। अब वो क्या कर रही है, इन इमोशंस को क्या कर रही है कि बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बांट रही है। बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बांट रही है। बेस्ट फ्रेंड की रेट क्या है, बेस्ट फ्रेंड को 8% की रेट पर और बॉयफ्रेंड को दे रही है 12% की रेट पर। दे रही है नहीं दे रही है साथियों? तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे, लड़की ऐसा ही कर रही है, नहीं कर रही है। और ओवरऑल उसे कितना मिल रहा है, ओवरऑल मिल रहे हैं उसे 900 ग्राम मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो आप बताओ मैं बॉयफ्रेंड के इमोशंस को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 8% + 4%। तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। ठीक करते हैं। अब साथियों मैं क्या करता हूँ, इसको अपन ने 2 भाग में तोड़ लिया, तो क्यों ना अपन मिनिमम करना है ना, मिनिमम 8% है, इसको 2 भाग में तोड़ लिया, क्यों ना इसका पहले सीधा 8% निकाल लूँ, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वैल्यू अपनी आ जाएगी यही वैल्यू। तो साथियों क्या आ रहा है, 8% निकालते हैं 10000 का, 10000 × 8/100, तो अपना आता है साथियों 800। कितना आता है? तो आप कहोगे सर आप कह रहे हैं 800 आ गया है, हमारा भी 800 आ गया है। अब क्या कहते हैं, 800 ग्राम आ गया इमोशंस अपने, आ गए मिनिमम बट गया 800। अब चूंकि सवाल कह रहा है 800 ग्राम नहीं है 800 ग्राम, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है उस लड़की के 900 ग्राम इमोशंस हैं। देखो उस लड़की के दिल से इमोशंस कितने निकले हैं, 900 ग्राम निकले, 900 ग्राम इमोशंस उसको बदले के तौर पर मिले हैं लोगों से। तो कितने ग्राम इमोशंस एक्स्ट्रा मिले, 100 ग्राम इमोशंस। तो साथियों अब आप इतना तो बसा सकते हो, ये 100 ग्राम एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है, ये 100 ग्राम एक्स्ट्रा इन्हीं 4% की वजह से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्हीं 4% की वजह से ये 100 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 100 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इन्हीं 4% की वजह से। तो 4% ऑफ बॉयफ्रेंड, 4% ऑफ बॉयफ्रेंड कितना हुआ साथियों? तो आप बताओगे 4% ऑफ बॉयफ्रेंड हुआ 100 ग्राम। हुआ या नहीं हुआ, 4% ऑफ बॉयफ्रेंड हुआ या नहीं हुआ 100 ग्राम? तो आप कहोगे बिल्कुल हुआ, 4% ऑफ बॉयफ्रेंड 100 ग्राम। हुआ या नहीं हुआ? तो बॉयफ्रेंड का 4% है साथियों 100 ग्राम, तो बॉयफ्रेंड का 100% यहां से निकल आएगा, यानी बॉयफ्रेंड को जितने मिले होंगे इमोशंस उतने निकल आएंगे या नहीं निकल आएंगे? तो आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही होगा। चेक करते हैं,
तो 4% से परसेंटेज कट गए, 4 से काटेंगे तो इसको 25 बराबर 2500 ग्राम इमोशंस मिले मात्र बॉयफ्रेंड को, मात्र मिले 2500 ग्राम। और बेस्ट फ्रेंड कितना ले गया? बेस्ट फ्रेंड ले गया इमोशंस शादी में 7500 ग्राम। और लगभग यही हो रहा है, 2500 ग्राम यहाँ मिले और 2500 को अगर अपन इसमें से घटा देंगे तो बेस्ट फ्रेंड के हो जाएंगे 7500 ग्राम और बॉयफ्रेंड के हो जाएंगे 2500 ग्राम। तो ये हुआ साथियों मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझाने की कोशिश की है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन रहा ये, क्या है, एक चिड़ियाघर में कुछ कौए और हिरण है, कुछ कौए और हिरण है, ये हैं कुछ कौए और ये हैं कुछ हिरण। हिरण के 4 पैर होते हैं, कौए के 2 पैर होते हैं, कुछ कौए और हिरण हैं। अब क्या कह रहा है, सिरों की संख्या 80 है, सिरों की संख्या कितनी है, 80 है, सिरों की संख्या है 80, 80 है सिरों की संख्या है या नहीं है सिरों की संख्या 80? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। और पैरों की संख्या है 240, पैरों की संख्या है 240। चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे लिख लिया कौए, यहाँ पे लिख लिया हिरण। तो कौए के पैर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 2 होंगे। हिरण के पैर होते हैं 2 और 2 4, तो 2 और 2 में ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकता हूँ मैं। तो 80 80, तो आप ये बताओ मिनिमम 2 पैर तो होंगे ही होंगे, तो मिनिमम 2 पैर हम बांट देते हैं दोनों में, मिनिमम 2 पैर हम दोनों में बांट देते हैं, दोनों में बांट दिया मिनिमम 2 पैर, तो कितने पैर हो गए अपने पास, 80 गुणा 2 बराबर 160 पैर हो गए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 160 पैर नहीं है ये है 240 पैर। कितने पैर हैं, 240 पैर हैं। तो अगर अपन 240 में से 160 घटा देंगे तो आएगा 80। ये अस्सी किसके कारण आ रहा है, ये बताओ साथियों, ये 80 किसके कारण आ रहा है, ये 80 आ रहा है ये हिरण के 2 पैर के कारण। तो हिरण के 2 पैर बराबर 80 लग दें तो ये जो 40 आया है ये टोटल नंबर ऑफ हिरण आ गया है, टोटल नंबर ऑफ हिरन आ गया है नहीं आ गया है? तो आप कहोगे साथियों बिल्कुल आ गया है, टोटल नंबर ऑफ हिरन। अगर 80 में से घटा देंगे अपन, 80 में से 40 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कौए और टोटल नंबर ऑफ हिरन। एक बार अपन क्वेश्चन को प्रूफ चेक कर लेते हैं कि अपना जो मेथड लिया है क्या वो सही है नहीं है, सही करते हैं। देखो हिरण के 40, हिरण की संख्या है तो 40 गुणा 4 कितने पैर हो गए, तो साथियों आप कहोगे 160 पैर हो गए। कौए की संख्या 40 है, 40 गुणा 2 तो कितने पैर हो गए साथियों, 80 पैर हो गए बराबर 240 पैर। तो 240 ही दिया हुआ था, यानी अपन जो मेथड लगा रहे हैं एकदम खरा खोटा उतर रहा है। कितना अच्छा लगा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर पर मिनट की गति से यात्रा की और शेष यात्रा के लिए अपनी प्रारंभिक गति से 1.4 गुना गति से यात्रा की। यदि सुनीता ने 1 घंटे में कुल 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की तो सुनीता ने गति से कितनी, सुनीता ने कम गति से कितनी किलोमीटर की दूरी तय की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, ठीक है साथियों। तो वो क्या कह रहा है, सुनीता ने 450 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा कर रही है सुनीता। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहा है, 450 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा कर रही है सुनीता, ठीक है। 450 मीटर प्रति मिनट है तो आप बताओ 450 मीटर 1 मिनट में जा रहा, तो अगर अपन इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो अपनी किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी। तो आप कहोगे सर अब बिल्कुल, क्योंकि 60 का गुणा करेंगे 1 मिनट में जा रहा 450 मीटर, तो 60 मिनट में, 60 मिनट बराबर 1 घंटे में जाएगा, 60 का गुणा करने पर अपनी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। चेक करते हैं अपन, तो कितना आ रहा है, 450 गुणा 60, 60 6 5 30 की जीरो हासिल की, 3 जी आ गया 27,000 मीटर। 27,000 मीटर बराबर 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर प्रति आवर, 27 किलोमीटर पर आवर कौन जा रहा है, तो आप कहोगे 27 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, स्पीड है या नहीं है 27 किलोमीटर पर आवर, तो आप कहोगे बिल्कुल है 27 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, अब प्रारंभिक गति से 1.4 गुना गति से यात्रा करती है, तो पहले 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर रही थी, अब 1.4 गुना करते हैं अपन इसका,
तो क्या आता है, 14 सत्ते 98, तो 8 हासिल की 9, 14 दूनी 28 और 9 37, 37.8 किलोमीटर से अब वो यात्रा करेगी। करेगी या नहीं करेगी? तो आप कह रहे हैं सर बिल्कुल करेगी, 37 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा। ठीक है साथियों, अपन इस पेज को रफ कर देते हैं। हाँ, स्पीड कितनी आई थी अपनी 27 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड आई है अपनी 37.8 किलोमीटर पर आवर। आई है नहीं आई? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आई है यही स्पीड। ठीक है, और स्पीड क्या चाहिए है और उसको कितना जाना है? उसको जाना है 33.3 किलोमीटर पर आवर। जाना है नहीं जाना है? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं साथियों, क्या करते हैं, इस 37.8 को दो भागों में तोड़ लें, 27 + 10.8, तोड़ लें या नहीं तोड़ लें? ठीक है, तोड़ लिया है, 37.8 को दो भागों में अपन ने तोड़ लिया, तोड़ लिया। तो 1 घंटे में वो कितना कितना चला जाएगा, 27.8 किलोमीटर चला जाएगा। चला जाएगा नहीं चला जाएगा? अब ये बताओ, ये जो लेकिन जाना कितना था 33.6, तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा, 3.6 किलोमीटर डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा? 3.6 किलोमीटर डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये इसकी वजह से आ रहा है, 10.8 की वजह से 3.6 किलोमीटर डिफरेंस। तो मैं जो कह रहा हूँ अब आप समझ पा रहे हो, 2 मेथड में मैंने यही समझाने की कोशिश की, ऐसा डिफरेंस क्यों आता है, 10.8 की वजह से आ रहा है नहीं आ रहा है, 6.3 किलोमीटर डिफरेंस। तो 6.3 किलोमीटर जो दूसरी बार उसने बड़ी हुई चाल है ना, ये बड़ी हुई चाल है ना, 10.8 की वजह से चलना है। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगी या कि दूसरी वाली गति से उसने कितने किलोमीटर यात्रा किया नहीं आ जाएगी? हाँ, तो गुणा 37.8। ठीक है, 10.8 की वैल्यू है साथियों 6.3, और 37.8 की वैल्यू निकालना है, ये आ जाएगी कि इस वाली गति से उसने कितने किलोमीटर की यात्रा की, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये आ गया 1:10 यहाँ पे। ठीक है, अब काय से कट रहे हैं, 9 से काटेंगे, 9 7 63, 9 से काटेंगे 12। ठीक है, अब काय से काटें, अब काटें अपन 6 से काटें, 6 से काटें, 6 दूनी 12, 6 छक्क 36 और 6 3 18। ठीक है साथियों, अब 63 × 7, देखो 63 × 7, 6 7 42, तो 420, 7 3 21, तो ये हो गए साथियों 441, और 10 × 2 20, 441/20 हो गया या नहीं हो गया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया, 441/20, 441/20, 441/20 हो गया। तो देखो उसने कितने किलोमीटर तय की इस सेकंड स्पीड से, 441/20 करेंगे तो ये आएगा साथियों अपना 22.05, आएगा या नहीं आएगा? 22.05 किलोमीटर उसने किस स्पीड से तय की, 37.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। तय की या नहीं की, यहां तक समझ में आया? तो आप कहोगे सर यहां तक हमें तो बिल्कुल समझ में आ गया, चलो ये है बढ़ी हुई स्पीड, ये है घटी हुई स्पीड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितनी दूरी सुनीता ने कम गति से तय की, तो कम गति 27 किलोमीटर है। देखो टोटल स्पीड उसने, टोटल दूरी उसने कही 33.830, उसमें से 22.05 दूरी उसने किसके, बड़ी हुई दूरी से तय की। तो इसको अगर अपन घटा देंगे तो जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कम गति से तय की गई होगी या नहीं की गई होगी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल की गई होगी, और ये मेथड हमें बिल्कुल समझ में आ गया, और हम इस मेथड के जितने भी सवाल हैं वो खुद कर सकते हैं। 11.25 नहीं दिया हुआ है, 11.25 किलोमीटर आएगा किसकी, कम गति से तय की गई हुई दूरी। ठीक है साथियों, साथियों जब भी दो दूरी को ऐसे चलाया गया हो, किसी क्रम में चलाया गया हो, तो ये मेथड आपका बहुत ज़्यादा काम आता है। टाइम एंड डिस्टेंस में लगा सकते हो, टाइम एंड वर्क में भी, और भी कई जगह जहाँ पर भी दो चीज़ें मिल रही हो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, इस मेथड को लगा सकते हो। काफ़ी शानदार मेथड है, आशा करता हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँगा। अगला क्वेश्चन अब आपको होमवर्क के तौर पर आपको खुद करना है, और इस क्लास का अपन अंत करते हैं। ये क्वेश्चन आपको लिखना है और होमवर्क के तौर पर खुद करने की कोशिश करना है, रेट है SI की। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और ये मेथड आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।